करते हैं, हम नहीं करते, हमारी आदत नहीं है किसी की बुराई करना, और करेंगे तो तुम्हारे यहां की थोड़ी करेंगे, कई बाहर की करेंगे, यहां तो ऐसी कोई है ही नहीं, तो हम खाई को कहे कोई नहीं। देखो ये कमी होती है औरतों के अंदर, अगर जे कोई बात सुन ले जोले चाचे से कहना लेती तो लेना है, रोटी अच्छी लगे ना नींद है, तुम्हें पूरे गांव में अगर बात फैले हुए है 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दियो काल से कही हो ना, फिर देखो समझा लो पूरे गांव में डंडोरा ना बैठो, फिर इनके पेट में बात रुकत ना है, काटत रात अजोले कहना लेती तो। देखो औरतों के पेट में कैसे बात नहीं रुकती, एक बात ध्यान में आ गई, पता नहीं कौन से गांव में कथा चल रही थी, यह गांव का ध्यान नहीं है हमें, और ध्यान होगा हम फिर भी नहीं बताएंगे। तो शाम को रुके थे सब लोग, छत पे लेटे थे, गर्मी का समय था, तो सब लोग जहां सो रहे लेते थे, तो भाई पड़ोस में बगल वाले घर में सास और बहू में लड़ाई हो गई, तो इतनी लड़ाई भाई, इतनी लड़ाई भाई, बहू पता न कितनी होशियार न है, धीरे से कचो कह दे सो सास घंटा घाड़ो के लिए फैल लो, अब लगती नहीं सास बहू से, और लड़े के गांव से जो घर से बाहर गांव में चली गई, और बहू ने रस्सी उठाई कमरा के अंदर घुसे गई केवल लगाए ले, हमने सोची फांसी लगाई है मरेगी, अरे बच्चा है हमें खा कर ले, अब बहुत देर हो गई, हमने सोची मर गई हुई है, काम से कहीं तो कोई निकाल ले, एक लड़का नीचे पहुंचो, अब वो नीचे जीना को उतरू ना पाओ, ताशा बोलने के बाद खोल ले बाहर निकल आए, अभी मरे थोड़ी नहीं है, दिखाए रही है, कोई हमें देख ले तो हम फांसी लगाए गए, तब तक उनकी भी सास आएगी जो लगती रही सो, और उनके संग गांव की बड़ी बूढ़ी और रहे, और अब जो बहू के हाथ में रस्सी देखी, एकदम से रस्सी छीनी, वो एक बात कही, तुमसे जिक्र न की तुम फांसी लगाई हो, तुम पूरे घर में आग लगाएगा, तुम्हारी जो इच्छा वो करो, हम कहो तुमसे कछु ना कहे, वह बहू से तो जग गई, और जो गांव की रहे उनसे जग गई, तुम्हारे अलावा हमारी बहू को काऊ ने फांसी लगा था, देखो तुम काऊ से गाँव में कही हो ना, हमारी बड़ा बदनामी हुए, उनसे तो जग गई, अब घर में हाथ रचा लगी, हाँ अब तरह चांद का तो देखो इनके पेट में बात रुकती नहीं है, तो सत्राजित बोले हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम मेरी पत्नी हो, पैर दबाए रही अति छटक के बल लगी दूरी।